हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। सो प्रीवियस लेक्चर में हमने ये बहुत बड़ी थ्योरी देखी थी, बहुत बड़ा कंसेप्ट देखा था। अब उसी के बेस पे हम आगे बढ़ते हैं एंड वी आर स्टार्टिंग अवर एग्जांपल नंबर 4.7। पे अटेंशन, मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ। गैलीलियो इन हिज बुक टू न्यू साइंसेस स्टेटेड दैट फॉर एलिवेशंस विच एक्सीड और फॉल शॉर्ट ऑफ 15 डिग्री बाय इक्वल अमाउंट्स द रेंजेस आर इक्वल। प्रूव दिस स्टेटमेंट मीन्स, गैलीलियो ने अपनी एक बुक में लिखा था कि अगर आपके पास 40 के इक्वल इंटरवल पे, इक्वल अमाउंट के चेंजेस पे अगर दोनों एंगल है, जैसे कि उसका कहने का मीनिंग यह है कि थीटा इज इक्वल टू, अगर 45 माइनस थीटा, अगर आपका कोई एंगल थीटा 45 माइनस थीटा है एंड एक एंगल है 45 प्लस थीटा, अगर आपके पास दो ऐसे एंगल है 45 माइनस थीटा और 45 प्लस थीटा, सो दोनों के लिए रेंज सेम होगी। ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। सो रेंज का फॉर्मूला क्या है, चलो पहले हम रेंज का फॉर्मूला लिखते हैं। तो भी रेंज का फॉर्मूला हमने यहीं पे डिराइव किया था, वी जीरो स्क्वायर साइन टू थीटा बाय जी। क्वेश्चन में ये बोला है कि अगर आपके पास 45 माइनस थीटा है और 45 प्लस थीटा है तो दोनों केस में रेंज सेम मिलेगी, प्रूव करना है उसको। सो आर इज इक्वल टू, चलो पहले मैं थीटा की जगह रखता हूँ 45 माइनस थीटा, तो उसके लिए मान लो कि आर वन हो जाता है वी जीरो स्क्वायर साइन टू और थीटा की जगह लिखो 45 माइनस थीटा बाय जी। सो आर वन इज इक्वल टू वी जीरो स्क्वायर साइन 90 माइनस टू थीटा, टू को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा, साइन 90 माइनस टू थीटा बाय जी। तो R1 इज इक्वल टू वी जीरो स्क्वायर साइन 90 माइनस टू थीटा, फॉर्मूला होता है कॉस टू थीटा बाय जी। यहाँ पे एक फॉर्मूला याद रखना, मैथ्स का फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिखता हूँ, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, ये फॉर्मूला है, रेडी। तो यहाँ पे साइन 90 माइनस टू थीटा है तो यहाँ पे कॉस टू थीटा हो गया, बट दिस फॉर्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो मुझे, मैंने 45 माइनस थीटा रखा तो मुझे ये फॉर्मूला मिला। अब वही रेंज की फॉर्मूला में मैं 45 प्लस थीटा रखता हूँ, सपोज वो केस में मुझे रेंज मिलती आर टू, फॉर्मूला होगा वी जीरो स्क्वायर साइन टू बाय जी और थीटा की जगह रखता हूँ 45 प्लस थीटा, रेडी। सो आर टू इज इक्वल टू वी जीरो स्क्वायर साइन 45 टूज आर 90 प्लस टू थीटा बाय जी, रेडी। चलो तो यहाँ पे एक और फॉर्मूला याद रखो, साइन 90 प्लस थीटा भी क्या होता है, कॉस थीटा ही होता है, साइन 90 प्लस थीटा भी क्या होता है, कॉस थीटा होता है। तो यहाँ पे साइन 90 प्लस टू थीटा डायरेक्टली क्या हो जाएगा, कॉस टू थीटा बाय जी। सो हियर वी कैन से बोथ द रेंजेस आर सेम, सो आर वन इज इक्वल टू आर टू, जो कि हमें प्रूव करना था। ठीक है, तो एग्जाम में याद रखना, शॉर्ट में कौन से दो एंगल ऐसे होते हैं कि जिसमें रेंजेस आपको सेम मिलेगी, स्टोन को ऐसे कौन से दो एंगल पे थ्रो करोगे सो यू विल गेट ऑलवेज बोथ द रेंजेस सेम। सो ये एंगल है, रेंजेस विल ऑलवेज बी सेम फॉर एंगल 45 माइनस थीटा
एंड 45 प्लस थीटा। वन मोर फॉर नीट कंसेप्ट, रेंजेस विल ऑलवेज बी सेम फॉर एंगल्स थीटा एंड 90 माइनस थीटा। ये भी होता है और ये भी होता है। मान लो कि मैंने 30 डिग्री के एंगल पे ऑब्जेक्ट को थ्रो किया है। क्या किया है मैंने? 30 डिग्री के एंगल पे ऑब्जेक्ट को थ्रो किया है और मुझे कुछ रेंज मिली। मैं ऐसा कौन सा एक और एंगल से थ्रो करूँगा सेम रेंज मिलेगी? तो थीटा एंड 90 माइनस थीटा। तो पहले थीटा है 30, सो 90 माइनस 30 मतलब 60, दूसरा एंगल हो जाएगा 60। तो 30 डिग्री और 60 डिग्री से थ्रो करोगे दोनों में आपको सेम रेंज मिलेगी। सेम होता है 45 माइनस थीटा एंड 45 प्लस थीटा। रेडी? चलो, सो दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, है ना। नीट में इसको डायरेक्टली आप यूज कर सकते हो। एग्जाम्पल 4.7 टेक्स्ट बुक में डिराइव नहीं किया है मैंने, आपको विथ डेरिवेशन आपको सॉल्व करके दिया है। सो इसको एज इट इज ही लिखना। बस ये जो यहाँ पे लिखो साइन 90 माइनस 2 थीटा, तो लिखने का फ्रॉम फॉर्मूला दैट वी नो साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। एंड यहाँ पे जब आप इसकी बात डायरेक्टली ये स्टेप लिखते हो तो वहाँ पे भी आप लोग को लिखना है एज वी नो साइन 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। हैंस योर न्यूमेरिकल इज परफेक्ट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द न्यू एग्जाम्पल। देखो ये वाला न्यूमेरिकल थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि हमने जो बड़ी थ्योरी देखी थी ना उसका कंसेप्ट यूज़ करके ही हमें ये सॉल्व करना है, और ऑब्वियसली उसमें कंसेप्ट्स बहुत सारे हैं, है ना। यू गाइस नीड टू रिमेंबर ऑल दी कंसेप्ट्स, पहली थ्योरी से लेके मतलब पहले फार्मूला से लेके लास्ट फार्मूला तक जितने भी कंसेप्ट्स, बहुत सारे फार्मूलाज है, सारे फार्मूलाज को दिमाग में बिठा के, पूरी जो स्टोरी है उसको दिमाग में बिठा के सबको पैरेलली एक साथ लेके आपको आगे बढ़ना है ना। सो लेट्स स्टार्ट विद द एग्जांपल नंबर 4.8। अ हाइकर स्टैंड्स ऑन द एज ऑफ अ क्लिफ 490 मीटर अबव द ग्राउंड। ये यहां पे एक क्लिफ है और उसकी हाइट है 490 मीटर्स। एंड थ्रोज अ स्टोन हॉरिजॉन्टली विथ द इनिशियल स्पीड ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड। मतलब वो क्या कर रहा है, एक स्टोन को ऐसे फेंक रहा है बिल्कुल हॉरिजॉन्टली। सो क्या होगा, ये स्टोन धीरे 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 ऐसे आ जाएगा। रेडी? ओके, ये स्टोन की आपको इनिशियल स्पीड दे रखी है ना। तो इनिशियल स्पीड कितनी है, 15 मीटर पर सेकेंड। सो अब देखो यहां पे जो भी स्पीड है, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट इनिशियल वेलोसिटी, तो हमने स्टोन को हॉरिजॉन्टली थ्रो किया है तो आपकी जो भी इनिशियल वेलोसिटी है वो ऐसे हॉरिजॉन्टल डिरेक्शन में मिलेगी। सो आपकी इनिशियल एक्स एक्सिस की वेलोसिटी है 15 मीटर पर सेकेंड, और इनिशियली वाई एक्सिस की जो वेलोसिटी है, क्योंकि अब ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है तो ऑब्वियसली ये वाई एक्सिस की वेलोसिटी डाउनवर्ड होगी, तो ये वाई एक्सिस की वेलोसिटी इनिशियल कितनी होगी, जीरो, क्योंकि आपने हॉरिजॉन्टली फेंका है। रेडी? और अभी हम जो प्रीवियसली हमने जो थियोरी पढ़ी थी उसमें क्या था कि उसमें हम ऑब्जेक्ट को ऐसे थ्रो किया था, ऐसे, तो ये बिटवीन एक्स एंड वाई था, इसीलिए यहां पे आपको एक्स का भी कंपोनेंट मिला था और वाई का कंपोनेंट भी मिला था, बट यहां पे हमने डायरेक्टली एक्स एक्सिस पे थ्रो किया है। सो व्हाट एवर इनिशियल वेलोसिटी इज ओनली ऑफ द एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस की वेलोसिटी नहीं होगी। रेडी? चलो अब फाइंड क्या करना है, नेगलेटिंग एयर रेजिस्टेंस फाइंड द टाइम टेकन बाय द स्टोन टू रीच द ग्राउंड। फाइंड टाइम
taken to time taken by stone to reach ground. ठीक है, ये टाइम हमें फाइंड करना है. और दूसरा क्या फाइंड करना है, एंड द स्पीड विथ विच इट हिट्स द ग्राउंड. स्पीड विथ विच हिट्स द ग्राउंड. चलो अब देखो, हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ से मोशन करता 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 यहाँ पे गिरेगा. सो इन दैट केस हमारा जो स्टोन है वो दो टाइप के डिस्टेंस कवर करेगा. एक डिस्टेंस कवर होगा एक्स एक्सिस का, और एक जो डिस्टेंस कवर हुआ है यहाँ से लेके यहाँ तक का वाई एक्सिस का. और वो वाई एक्सिस का डिस्टेंस हमें पता है कितना, 490 meters, है ना. फाइंड क्या करना है, फाइंड द टाइम टेकन बाय द स्टोन टू रीच द ग्राउंड. सपोज दिस टाइम इज टी. सो लेट्स अप्लाई द फॉर्मूला, डी इज इक्वल टू वी जीरो टी प्लस 1/2 AT² अब डी क्या है, डी इज द टोटल डिस्टेंस कवर्ड. लेट राइट द फॉर्मूला इन द फॉर्म ऑफ वाई एक्सिस. तो वाई एक्सिस पे जो भी डिस्टेंस कवर किया है उसके लिए लिखूंगा वाई, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ y इंटू टी प्लस 1/2 एक्सेलरेशन ऑफ y इंटू टी स्क्वायर. सो टोटल डिस्टेंस कवर जो है y. अब देखो हम क्या करते हैं कि नीचे की जो डिरेक्शन है उसको पॉजिटिव लेते हैं, ऊपर की डिरेक्शन को नेगेटिव लेते हैं, राइट हैंड साइड की डिरेक्शन को पॉजिटिव लेते हैं और लेफ्ट हैंड साइड की डिरेक्शन को नेगेटिव लेते हैं. तो अभी हमारी ये जो इनिशियल वेलोसिटी है वो तो खैर जीरो है. सो अगर यहाँ पे वी जीरो वाई की जगह जीरो, तो जीरो इंटू टी जीरो प्लस 1/2 AY, मतलब हवा में जो ग्रेविटी लग रही है, वाई एक्सिस पे जो ग्रेविटी लग रही है वो, तो यहाँ पे आ जाएगा सिंपली ग्रेविटी. और ग्रेविटी की वैल्यू आपको लेनी है 9.8, तो वो जाएगा डाउनवर्ड. ग्रेविटी कहाँ लगती है, ऑलवेज डाउनवर्ड लगती है. और डाउनवर्ड डिरेक्शन को हमने क्या बोला है, पॉजिटिव. डाउनवर्ड डिरेक्शन को हमने क्या बोला है, पॉजिटिव. सो यहाँ पे एक्सेलरेशन में ग्रेविटी हो जाएगा और वो पॉजिटिव होगी 9.8 इंटू टी स्क्वायर. अब ये जो वाई एक्सिस का डिस्टेंस है ये रहा, कितना है 490. अब ये डिस्टेंस कहाँ पे कवर हो रहा है, नीचे की साइड में कवर कर हो रहा है. और नीचे की डिरेक्शन को हमने क्या लिया है, पॉजिटिव. तो ये डिस्टेंस 490 भी कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव. सो 490 इज इक्वल टू दिस मच. सो 490 इज इक्वल टू 1/2 इंटू 9.8 टी स्क्वायर. सो टी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 490 बाय 9.8. सो इसको सॉल्व करोगे तो आपको वैल्यू मिलेगी, टी स्क्वायर इज इक्वल टू 100. सो टी इज इक्वल टू 10 सेकेंड. मतलब 490 का डिस्टेंस कवर करने के लिए उसको टाइम लगेगा 10 सेकेंड. सो ये हमें मिल गया, फाइंड द टाइम टेकन बाय स्टोन टू रीच द ग्राउंड. ठीक है, ग्राउंड में आने के लिए उसको 10 सेकेंड लगेंगे. स्पीड विथ विच इट हिट्स द ग्राउंड. अब मैंने आपको क्या बोला था कि ये काइंड ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन है, और प्रोजेक्टाइल मोशन वेलोसिटी कॉम्पोनेंट ऑफ एक्स एक्सिस विल ऑलवेज रिमेन्स कॉन्स्टेंट. एक्स एक्सिस की वेलोसिटी ऑलवेज कैसी रहेगी, कॉन्स्टेंट. ये हमने पढ़ा था, इन प्रोजेक्टाइल मोशन वेलोसिटी कॉम्पोनेंट ऑफ एक्स एक्सिस विल ऑलवेज रिमेन्स कॉन्स्टेंट. तो अब देखो, जब ये बॉल यहां पे पहुंचेगा, व्हेन बॉल रिचेस टू ग्राउंड. अब बॉल जब यहां पे पहुंचेगा, यहां पे हमारे पास दो वेलोसिटीज होंगी, एक
एक्स एक्सिस की वेलोसिटी होगी, एक वाई एक्सिस की वेलोसिटी होगी। तो ये वाली वेलोसिटी कितनी होगी, सेम, क्योंकि एक्स एक्सिस की वेलोसिटी कभी भी चेंज नहीं होती। व्हेन बॉल रीचेस टू ग्राउंड वी एक्स, मतलब फाइनल वेलोसिटी ऑफ एक्स एक्सिस विल बी 15 मीटर पर सेकेंड बिकॉज इट रिमेन्स कॉन्स्टेंट, एंड वेलोसिटी ऑफ वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस की वेलोसिटी चेंज होती है, तो उसके लिए फॉर्मूला यूज करेंगे, वी इज इक्वल टू वी जीरो प्लस एटी। सो फाइनल वेलोसिटी ऑन वाई एक्सिस विल बी इनिशियल वेलोसिटी ऑफ वाई, वाई की इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, वाई की इनिशियल वेलोसिटी थी जीरो, प्लस एक्सेलरेशन 9.8 इंटू टी, टी हो जाएगा 10, सो वी वाई विल बी 98 मीटर पर सेकेंड, है ना। ये वैल्यू पॉजिटिव मिली, नीचे की डिरेक्शन को हमने पॉजिटिव कंसिडर किया था, ये फाइनल वेलोसिटी वी वाई डाउनवर्ड मिल रही है इसलिए पॉजिटिव है। तो अब इन दोनों की टोटल वेलोसिटी क्या होगी, रिजल्टेंट वेलोसिटी। सो दो वेक्टर का रिजल्टेंट, मतलब यहाँ बीच में होगा, और ये रिजल्टेंट वेलोसिटी वी की फॉर्मूला क्या होगी, उसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो अंडर रूट वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। सो वैल्यू ऑफ वी इज इक्वल टू अंडर रूट वी एक्स स्क्वायर, मतलब 15 का स्क्वायर प्लस 98 का स्क्वायर। तो इसको जब सॉल्व करते हैं 15 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट 98 का स्क्वायर, सो यू विल गेट द आंसर अप्रोक्सीमेटली, नो यू विल गेट एग्जैक्ट आंसर 99 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे बॉल जब पहुँचेगा तब उसकी फाइनल वेलोसिटी होगी 99 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्स एक्सिस की होगी 15, वाई एक्सिस की 19, और वेक्टर का टोटल आपकी ये वेलोसिटी होगी। ठीक है, देखो टेक्स्ट बुक में तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा, जितना सिंपली इसको सॉल्व कर सकते थे हमने किया है, पैरेलली लिखते जाना, लिखते लिखते इसको सॉल्व करना हो जाएगा। आपके पास तो वीडियो का ऑप्शन है, फॉरवर्ड रिवर्स भी कर सकते हैं। इन केस स्टिल यू आर हैविंग एनी डाउट यू कैन मैसेज मी। ठीक है, चलो सो अब हम आगे बढ़ते हैं टूवर्ड्स द नेक्स्ट न्यूमेरिकल। एग्जाम्पल 4.9, अ क्रिकेट बॉल इज थ्रोन एट अ स्पीड ऑफ 28 मीटर पर सेकेंड इन अ डिरेक्शन 30 डिग्री अबव द हॉरिजॉन्टल। मतलब देखो, क्रिकेट बॉल को ऐसे थ्रो कर रहे हैं, ठीक है, मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री, रेडी, ओके। सो योर इनिशियल वेलोसिटी वी जीरो इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 28 मीटर पर सेकेंड, एंड एंगल इज 30 डिग्री। कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट, चलो एच मैक्सिमम फाइंड करना है, सीधा फॉर्मूला प्लेस करो। एच मैक्सिमम का फॉर्मूला क्या होता है, वी जीरो साइन थीटा जीरो होल स्क्वायर बाय 2g, दैट मीन्स इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वी जीरो स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा जीरो बाय 2g, कुछ भी लिखो सेम ही होता है। सो वी जीरो इनिशियल वेलोसिटी थी 28, तो 28 का स्क्वायर इंटू थीटा क्या है 30, सो साइन 30 का स्क्वायर बाय 2 इंटू जी, जी की वैल्यू लिखो 9.8, तो 28 का स्क्वायर इंटू साइन 30 इज 1/2, 1/2 का स्क्वायर मतलब 1/4 इंटू 2 इंटू 9.8। सो मैक्सिमम हाइट इज 10 मीटर, मैक्सिमम हाइट विल बी व्हाट, इट इज 10 मीटर, रेडी। चलो इसको सॉल्व कर दोगे 10 मीटर आंसर आएगा, अगर नहीं आ रहा है तो मुझे बताना, बट आ ही जाएगा। दूसरा क्या फाइंड करना है, द टाइम टेकन बाय बॉल टू रिटर्न टू द सेम लेवल, है ना, मतलब वापस सेम लेवल, मतलब ग्राउंड पे ही आने के लिए कितना टाइम लगेगा, मतलब हमें फाइंड करना है टाइम ऑफ
फ्लाइट, ठीक है। सो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या था, 2v0 साइन थीटा 0 बाय जी। सो टाइम ऑफ फ्लाइट इज इक्वल टू 2 इंटू वी जीरो, इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी भाई, इनिशियल वेलोसिटी हमें दी हुई यहाँ पे 28, तो 28 इंटू साइन 30 बाय जी इज ए 9.8। साइन 30 की जगह अगर तुम रख दोगे 2 इंटू 28 वन बाय टू साइन 30 की वैल्यू एंड 9.8 एज इट इज, सो यू विल गेट द आंसर टाइम ऑफ फ्लाइट विल बी 2.9 सेकेंड। रेडी, चलो सी फाइंड करना है, द डिस्टेंस फ्रॉम द थ्रोअर टू द पॉइंट वेयर द बॉल रिटर्न्स टू द सेम लेवल। थ्रोअर यहां पे है, यहां से हमने थ्रो किया था एंड बॉल रिटर्न्स टू द ग्राउंड लेवल, तो हमें ये डिस्टेंस फाइंड करना है, इन शॉर्ट हमें रेंज फाइंड करनी है, ठीक है। तो रेंज का फॉर्मूला क्या था, सो रेंज आर इज इक्वल टू वी जीरो स्क्वायर साइन टू थीटा जीरो बाय जी। रेडी, चलो सो आर इज इक्वल टू वी जीरो स्क्वायर साइन टू, थीटा कितना है हमारा 30, तो थीटा की जगह 30 रख दो, तो 2 इंटू 30 बाय जी। सो आर इज इक्वल टू वी जीरो स्क्वायर साइन 60 बाय जी। तो इसको जब सॉल्व करते हैं तो आर इज इक्वल टू वी जीरो, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 28, तो 28 का स्क्वायर साइन 60 इज रूट 3 बाय 2 इंटू जी हो जाएगा हमारा 9.8। रेडी है ना, ये साइन 60 की वैल्यू डाल दी रूट 3 बाय 2, इसको जब सॉल्व करोगे यू विल गेट द आंसर 69 मीटर्स, ये 69 मीटर दूर जाके वो गिरेगा। तो यहाँ पे हमारा एग्जाम्पल 4.9 भी कंप्लीट हो रहा है। सो रिमेनिंग पोर्शन स्टूडेंट्स, रिमेनिंग पोर्शन में कुछ भी नहीं बचा है, सिर्फ दो ही चीज़ बची है, एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का थियोरी है और एक उसका एग्जाम्पल है। बट ये जो थियोरी है ना यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, वो थोड़ी बड़ी है एंड ये कंसेप्ट बहुत समझने जैसा है। सर्कुलर मोशन इज़ द वेरी वन ऑफ द कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक्स ऑफ अवर सिलेबस ऑफ 11 साइंस, है ना। तो आपका है ना चैप्टर नंबर 7 है रोटेशनल मोशन, बुक में होगा देखना, वो 11 का सबसे कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर है। और रोटेशनल मोशन का मेन जो बेसिक पार्ट है वो है सर्कुलर मोशन, उसका एक छोटा सा बेसिक पोर्शन हमारी टेक्स्ट बुक में नेक्स्ट टॉपिक में दिया हुआ है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, एंड बड़ी थियोरी है, सो इट विल टेक अ टाइम टू कंप्लीट द थियोरी। सो व्हाट विल वी डू, हम उसको नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, टिल दैट यू कैलकुलेट दिस थ्री न्यूमेरिकल्स, और वो आगे जो प्रीवियस लेक्चर में थियोरी करवाई थी उसको भी अच्छे से देखना समझना, है ना, उसको भी एक एक बार लिखना, है ना, वो सारे के सारे फॉर्मूलाज आपको याद रखने पड़ेंगे, कंसेप्ट्स याद रखने पड़ेंगे। एक कंसेप्ट तो दिमाग में बिठा कर ही रखना कि एक्स एक्सिस की वेलोसिटी ऑलवेज कॉन्स्टेंट होती है ना, तो क्या कि न्यूमेरिकल सॉल्व करने में थोड़ा ईजी रहेगा आपको। अपार्ट फ्रॉम दिस यू हैव टू ऑल्सो डू सम ऑफ द न्यूमेरिकल्स टू फ्रॉम द रेफरेंस बुक्स, है ना। तो अभी शॉर्ट टाइम में स्कूल्स ओपन होने वाले ऐसा गवर्नमेंट कह रही है, सो रेफरेंस बुक में से भी काफ़ी सारे एमसीक्यूज मैं सॉल्व करवाऊंगा जब हम फिजिकली क्लास में मिलेंगे, तब तक आप ये टेक्स्ट बुक के न्यूमेरिकल्स को तो अच्छे से लिखते रहना, ठीक है। और आज के लेक्चर में कुछ भी डाउट हो सो यू कैन मैसेज मी, आई विल गिव द आंसर ऑफ ऑल ऑफ योर क्वेश्चंस। थैंक यू वेरी मच माई डियर स्टूडेंट्स।